फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार एक न्यू स्टेटस का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। और अगर आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपलोड करते ना तो आपका वीडियो जरूर वायरल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में गाइस आपको इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करने सिखाऊंगा। तो इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि यार आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, प्लीज गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और आपको 9.16 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिटिंग में क्लिक करना होगा, आपको इसे कर लेना है फिल स्क्रीन, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपना कुछ इमेज को इनपुट कर लेना है जिस इमेज का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। सो गाइस, मैं अपने कुछ इमेज को इनपुट कर लेता हूँ तो आपको भी कर लेना होगा। तो आपको अपना इमेज को इनपुट कर लेना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने कुछ अपने फोटो को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गाइस अगर आपका कोई इमेज स्क्रीन पर सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं होता है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको अपने इमेज को जूम करके आपको स्क्रीन पर सही तरीके से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है, फिर आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके इसे लॉक कर देना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस, आपको इसी तरीके से अपने सभी इमेज को अपने स्क्रीन पर सही तरीके से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। सो गाइस, इतना आपको कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट, आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको अपने इमेज के कलर को आपको एडजस्टमेंट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, तो मैं इतना कर लेता हूं। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको दूसरे इमेज पर क्लिक करना होगा, उसी ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है एंड आपको अपने इमेज के कलर को आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। सो गाइस, मैं कर लेता हूं तो आपको भी कर लेना है। तो देख लीजिए गाइस, हमने अपने सभी इमेज के कलर को एडजस्टमेंट कर लिया, तो आपको भी कर लेना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट इनपुट करना होगा इस वीडियो पर। सो गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको इस इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको मैं दिखा देता हूँ इस इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस, आपको इस नेम को देख लेना है और आपको गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको चल जाना है, आपको उस स्टोर पर आपको मिल जाएगा ये इफेक्ट, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक नंबर पर आपको इसे क्लिक कर देना है, फिर आपको दूसरे प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा, उसी इफेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड गाइस, आपको इस तरीके से दूसरे नंबर पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको दूसरे प्लस आइकन पर क्लिक करना है, आपको उसी इफेक्ट में आपको एंटर करना होगा। एंड गाइस, आपको इस तरीके से इसे एडजस्टमेंट कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो गाइस, हम कर लेते हैं तो आपको भी कर लेना होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपने सभी बॉक्स पर ट्रांजिशन इफेक्ट इनपुट कर लिया है। इसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है और आपको अपने इमेज के लेंथ को आपको छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो आप छोटा कर लीजिएगा, हम इतना कर लेते हैं तो आपको भी कर लेना होगा। तो गाइस, आपको इतना कर लेना है इस तरीके से, आपको अपने सभी इमेज के लेंथ को आपको छोटा कर लेना है। सो गाइस, हमारा हो चुका भी आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको वीडियो इफेक्ट को इनपुट कर लेना है। तो हम उसे भी इनपुट कर लेते हैं। तो ये हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको इसे कर लेना है स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना ब्लैक स्क्रीन वीडियो को इनपुट कर लेना है। सो गाइस, हमारा ब्लैक
स्क्रीन वीडियो आ चुके भी आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना है, फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा। आपको नीचे को ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग को ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको इसे कर लेना है मल्टीप्लाई इस तरीके से, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो गैस हमारा स्टेटस इतने लंबा बन चुका है, तो आप अगर अपना वीडियो को और लंबा बनाना चाहते हैं तो गैस आपको क्या करना होगा, आपको अपना कुछ और इमेज को ऐड कर लेना है और आपको उसी तरीके से अपने इमेज पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट इनपुट कर लेना है और आपको अपने स्टेटस को लंबा करके आप बना सकते हैं, अपने वीडियो को और लंबा बना सकते हैं। तो गैस मैं अपने स्टेटस को इतने लंबा बना लेता हूं और आपका जो पीछे का फालतू पार्ट होगा आपको कट कर लेना है। तो आपको अपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है, कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट टॉप प्लेट कर लेना है, तो आपका जो पीछे का फालतू पार्ट है वो कट के हट जाएगा। इसका फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, फिर से आपको स्टार्टिंग में आना है, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना फ्रेम पीएनजी को इनपुट कर लेना है। सो गैस मुझसे भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना है और इसका लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक लेना है। तो फाइनली हमारा स्टेटस बनके तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसे एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, यार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो गाइस आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।